हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि क्या सच में हम अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं कि आपको बेटा होने वाला है या बेटी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर डॉक्टर हमको क्यों नहीं बताते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अल्ट्रासाउंड होता क्यों है। ठीक है, तो जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, जब लगभग आपका 1 से 1.5 महीना हो जाता है, तब आप डॉक्टर को दिखाने चाहती हैं, तब आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तब आपको अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। इससे आपको ये क्लियर होगा कि आपके बेबी की FHR आई या नहीं है। FHR का मतलब होता है फेटल हार्ट रेट, मतलब बेबी के दिल की धड़कन, मतलब बेबी का जो दिल है उसने धड़कना स्टार्ट किया या नहीं किया। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 सप्ताह के बीच में बेबी की जो हार्ट रेट होती है वो हर हाल में आ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको एक बात और क्लियर होगी कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है। अगर आपके बेबी की हार्ट रेट नहीं आती है 5 से 6 सप्ताह में, तो ये एक तरीके का साइन होता है कि आपका बेबी ठीक नहीं है, आपके बेबी में कोई ना कोई कमी है। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ में गर्भपात होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप पहला अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेबी की हार्ट रेट है कि नहीं। बेबी की हार्ट रेट ही बताती है कि बेबी बिल्कुल ओके है। अगर बेबी की हार्ट रेट शो नहीं करती है तो आपको डॉक्टर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर कोई कमी होती है तो आपसे यही बोलेंगे कि आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए। और बहुत सारी बातें पता चलती, जैसे आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी प्रेगनेंसी तो नहीं है जिससे आपको आगे चल के खतरा हो। ठीक है, तो इसलिए पहला अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे अल्ट्रासाउंड की। तो आपको बोला जाता है लगभग 5 से 5.5 महीने के बीच में, तो जब आप दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, इससे आपको पता चलेगा कि बेबी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बेबी के अच्छे से अंग डेवलप हुए कि नहीं हुए, बेबी में कोई जन्मजात दोष तो नहीं है, कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, जो कि कुछ बच्चों को पेट से ही हो जाती है। और अगर आपको पहले अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी, आपकी सिंगल, तो आपको जो ये सेकंड वाला अल्ट्रासाउंड होता है इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहली बार में क्लियर नहीं होता है, मुझे भी नहीं हुआ था। और आपको ये भी पता चलेगा कि बेबी की जो पानी की थैली है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें पानी की कमी तो नहीं हो रही है। और दूसरी बात कि आपकी जो प्लासेंटा की पोजीशन है वो क्या है। मैं बता दूं कि आप अक्सर देखेंगे किसी अल्ट्रासाउंड में एंटीरियर प्लासेंटा की पोजीशन होगी, पोस्टीरियर होगी, किसी में फंडल होती है, किसी में लो लाइन प्लासेंटा होता है, तो किसी में प्लासेंटा प्रीविया होता है। इसका असली मतलब जो होता है वो ये होता है कि प्लासेंटा किस पोजीशन में है। कहने का मतलब है कि प्लासेंटा आपका पेट में चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। वो प्लासेंटा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो इन पोजीशन को इंग्लिश में ही बोला जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, लो लाइन प्लासेंटा एंड प्रीविया प्लासेंटा। ठीक है, इसका असली मतलब ये होता है, ना कि ये होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर से आपको बेटा या बेटी क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, बस इससे आपको जो है पोजीशन क्लियर हो जाएगी। और एक बार बता दूं कि प्लासेंटा की जो पोजीशन होती है वो आगे चल के चेंज होती रहेगी, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, वो जैसे जैसे ग्रोथ करता है, जैसे जैसे पूरे में घूमना एंड हलचल करना स्टार्ट करता है, उसी के साथ साथ प्लासेंटा भी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। आप अक्सर देखेंगे जब आप अपना लास्ट एंड तीसरा अल्ट्रासाउंड करवाएंगी लगभग 7 या 7.5 महीने में, तो वो इसलिए करवाना जरूरी होता है। उससे सबसे पहले तो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि बच्चे के जो अंग है वो बिल्कुल ओके हैं, सर का साइज कितना है, बच्चे का जो एक एक पार्ट क्लियर होता है थर्ड अल्ट्रासाउंड में। एंड सबसे बड़ी बात कि बच्चे का जो वजन है तो वो 7.5 महीने में जिस तरीके से बढ़ता है उतना है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबी कमजोर हो, तो ये चीज भी बिल्कुल क्लियर होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये भी क्लियर होगा कि आपकी जो डिलीवरी डेट है वो कब तक होगी। ठीक है, मतलब डिलीवरी कितना समय है। और दूसरी बात, आपको तीसरे अल्ट्रासाउंड में भी आपके जो एमनियोटिक फ्लूड है वो क्लियर होगा, वो सही है कि नहीं है। इसमें आपके बच्चे की पोजीशन भी शो करेगा कि वो सिफेलिक पोजीशन है या फिर जो है ब्रीथ पोजीशन है, मतलब या बच्चा उल्टा है या फिर सीधा है, हर तरीके की बच्चा जिस पोजीशन में है वो पोजीशन शो करेगी। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन भी बिल्कुल चेंज होती रहती है जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करता है, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। और आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं कि जो उसमें FHR होती है, जब आप स्टार्टिंग के 5th और 6th वीक में करवाएंगी तो FHR अलग होगी, 5 या 5.5 महीने में करवाएंगी तो FHR अलग आएगी, फिर आप 7 या 7.5 महीने में करवाएंगी तो FHR अलग होगी। इसका रीजन होता है कि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके वीक्स बढ़ते हैं, तो वीक्स के हिसाब से FHR चेंज होती रहती है। कभी आपको 140 मिलेगी,
कभी आपको 170 मिलेगी, कभी आपको 155 मिलेगी, कभी आपको 153 भी मिल सकती है एंड 160 भी मिल सकती है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, जब आपके पूरे 9 मंथ क्लियर हो जाए तब आपकी जो मिनिमम से मैक्सिमम हार्ट रेट है वो 130 रहनी चाहिए, इससे ऊपर ना हो ना ही इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। यही एक बिल्कुल नॉर्मल हार्ट रेट होती है जो कि डिलीवरी के लिए बिल्कुल सही रहती है। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर जो आप अक्सर अंदाजा लगाते हैं ना कि किसी की एक कम दे दी, किसी की ज्यादा दे दी, तो वो ये सो नहीं करता है कि बेटा या बेटी हार्ट रेट कम और ज्यादा दी जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कौन से वीक्स में अल्ट्रासाउंड करवाया, कौन से महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया, एंड जिससे आप मैच करने की कोशिश करिए उसने अपने बेबी के टाइम पे कौन से महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया एंड कौन से वीक में अल्ट्रासाउंड करवाया। जैसा कि मैंने आपको बताया FHR बिल्कुल चेंज होती रहती है, तो आपको सबसे पहले रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कई लोग कि 150 शो कर रही है, 170 शो कर रही है, तो उसका रीजन यही होता है कि बेबी की FHR चेंज होती रहती है। चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो, ये सारी प्रक्रियाएं जो भी होती है वो दोनों के साथ बिल्कुल सेम होती है। तो अब आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको अपने अल्ट्रासाउंड के बारे में कुछ डाउट क्लियर कर दूं जो आप लोग अक्सर पूछते हैं। सबसे पहला डाउट कि मेरी जो दूसरी प्रेगनेंसी थी वो ट्विंस प्रेगनेंसी थी, तो उसमें जो मैंने पहला अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें सिंगल ही बेबी दे रहा था, उसमें ट्विंस के बारे में कुछ भी नहीं दिया था। ये मैं भी नहीं जानती क्यों नहीं दिया था, ठीक है। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड करवाया था उसमें सारी चीजें अलग अलग शो कर रही थी, और उसमें जो मेरा प्लासेंटा था वो एक ही प्लासेंटा दे रहा था, एंटीरियर प्लासेंटा, ठीक है। लेकिन मेरे जो प्लासेंटा थे वो दो प्लासेंटा थे, मतलब दोनों बेबी के अलग अलग प्लासेंटा थे, ठीक है। तो मेरे बेबी की जो हार्ट रेट थी वो बिल्कुल चेंज हुई थी, लास्ट में जो थी वो 155 एंड 157 के आसपास थी, जबकि इतनी नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो आई होप आपके अब काफी हद तक डाउट क्लियर हो गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको डाउट में रहना चाहिए कि FHR से पता करें या प्लासेंटा की पोजीशन से पता करें। और सबसे बड़ी बात कि आपसे बोला जाता है कि अल्ट्रासाउंड में पता कर सकते हैं बेटा या बेटी, बिल्कुल पता कर सकते हैं, लेकिन आपने इंडिया में नहीं पता कर सकते, बल्कि इंडिया से बाहर। आप इंडिया से बाहर जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया जाता है। उसका रीजन सीधा सीधा होता है कि मेंटेलिटी के ऊपर, इंडिया में मेंटेलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। और डॉक्टर को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती है आप लोगों को बताने की। उसका रीजन होता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, इस वजह से डॉक्टर को बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती है। उनको उसी टाइम क्लियर हो जाता है जब वो अल्ट्रासाउंड करते हैं कि आपके घर पे बेटा है या बेटी, जिस वजह से वो आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।